नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 26 नवंबर 2021 के बारे में। 26 नवंबर 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अचूक उपाय और एंजल नंबर जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बना सकते हैं। 26 नवंबर 2021 6 और 2 नंबर 8 बनता है यहाँ पर और दिन बनता है पर शुक्रवार का दिन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है यहाँ पर। ये जो कैलकुलेशंस आ रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कैलकुलेशंस आ रही हैं और आज के दिन आपके मन चाहे काम होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दी है। यहाँ पर अगर आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसके पूरे पूरे फायदे आपको यहाँ पर मिलेंगे। आज के दिन अगर आप किसी भी चीज़ को मन से चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी पूरी हो सकती है। आपकी मन की भावनाएं अच्छी हो सकती हैं और मन की मुरादें पूरी हो सकती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को बनती है। यहाँ पर आपको दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहला, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ओवरथिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और किसी एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच के किसी को बताना तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के दिन में आप वो सारी चीज़ें सोचिए जो आप अपने जीवन में अच्छी करना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में पॉजिटिव करना चाहते हैं। आज दिन भर सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आज के दिन अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आप करियर में कुछ नया करना चाह रहे हैं, अगर आप नई अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों की तरफ से या किसी मिलने वाले की तरफ से, किसी कलीग की तरफ से कोई न कोई अच्छी अप्रोच आपको यहाँ पर दिख सकती है। इसके चांसेस यहाँ पर पूरे पूरे बनते हैं और आपको कहीं ना कहीं अच्छा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको करियर में और जॉब में कोई बड़ी अप्रिसिएशन मिल सकती है, कोई बड़ी डील आपकी साइन हो सकती है। अच्छा समय है जॉब एंड बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये जो दिन है ये हेल्थ की रिकवरी कहीं ना कहीं आपको देता है, इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और अगर आपकी तबीयत काफ़ी लंबे समय से ख़राब चल रही है तो आज का ये दिन जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपको अपनी हेल्थ को रिकवर करने में आपकी मदद करेगा और आपको अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है। हल्की सी भी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान दे सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए लापरवाही नहीं करनी है। यहाँ पर अब अगर देखें कि रिलेशनशिप के लिए कैसा जाएगा ये समय, तो रिलेशनशिप के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अपने दिल की भावनाएं बताना चाहते हैं, अपने दिल की फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बेशक आप आज के दिन कर सकते हैं। शुक्र और शनि का जो ये योग बना हुआ है और जिस तरह से ये दिन यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर चल रही है, ये जो दिन है ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है यहाँ पर और आप सभी को कहीं ना कहीं मौका देता है अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके, अपनी परेशानियों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने का समय यहाँ पर आपके लिए बनता है। एंड डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर की गई शुरुआत लंबे समय तक आगे तक जा सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा पैसा अगर किसी का आना है, बहुत लंबे समय से कहीं पैसा अटक रहा है, बरकत नहीं हो पा रही है, धंधा नहीं चल पा रहा, तो ये दिन आज आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आज कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा आने के चांसेस बन सकते हैं और डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा, आपके चांसेस अच्छे बनेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है आज के दिन, और अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी आप आज कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आज के दिन आपकी मुलाकात नए लोगों से हो सकती है, नए मित्रों से हो सकती है, नए लोगों से जानकारी आप हासिल कर सकते हैं और नए लोगों से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है, इसके भी पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये दिन हर तरह से एक पूरी तरह से अच्छा दिन यहाँ पर आपके लिए होता है और कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। आज के दिन देश और दुनिया में भी देखा जाए तो माहौल अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ खुशी की बात यहाँ पर आ सकती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी और कोई अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन सभी के लिए अच्छा ही जाएगा, किसी के लिए भी दिन में कोई खराबी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। राशियों के लिहाज से अगर देख लिया जाए तो राशियों के लिहाज से मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, एक अच्छे लेवल पे आप इस दिन को इस आगे लेकर जा पाएंगे। वैसे सभी के लिए दिन अच्छा है बट आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। नंबर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नंबर 2, नंबर 3,
नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 8 आप सभी के लिए यहाँ पर दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अल्फाबेट्स में यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनके लिए दिन यहाँ पर अच्छा रहेगा, अल्फाबेट में है बी, डी, एम, एल, पी, क्यू, आर, एस, वी, आप सभी के लिए दिन यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेके चलता है, कहीं कोई दिक्कत को परेशानी नहीं आएगी। और बाकी सभी के लिए भी दिन अच्छा है, बट इनके लिए थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा रह सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको क्या उपाय करना है। उससे पहले अगर आपका आज जन्मदिन है, अगर आपकी एनिवर्सरी है, अगर आप कुछ आज विशेष दिन को इस दिन को विशेष तौर से मनाते हैं, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये दिन अच्छा जाए और आने वाला साल भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। खासकर उन सभी के लिए जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज अगर आपका बर्थडे है तो ये जो आने वाला साल है आपके लिए, ये काफ़ी कुछ लेकर के आ रहा है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। लंबी दूरी की यात्राएं आप तय कर पाएंगे, फॉरेन जाना चाहते हैं फॉरेन जा पाएंगे और कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक अच्छे लेवल पे आप यहां पर आगे तक बढ़ सकते हैं, इसके चांसेस यहां पर बनते हैं, तो इसीलिए आपको इस पूरे साल का फायदा उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपकी कुंडली में भी ऐसा ही रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा अचूक उपाय आपको करना है और क्या एंजल नंबर का इस्तेमाल करना है। उससे पहले एक जरूरी बात और यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं आने वाले वीक में 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को अहमदाबाद में ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर आप अहमदाबाद में हैं और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना और समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी की सारी समस्याओं को दूर करूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी और हमारी अहमदाबाद में पहली मुलाकात बहुत ही ज़्यादा यादगार रहने वाली है। चलिए अहमदाबाद में मिलते हैं और अहमदाबाद की जो भी स्पेशलिटी हो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि अगर मेरे तक वो पहुंच पाए तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आज का जो एंजल नंबर रहने वाला है, विशेष एंजल नंबर रहेगा आज के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा सुकून देता हुआ एंजल नंबर रहेगा, वो आप नोट कर लीजिएगा, 6556। ये नंबर जो रहेगा ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नंबर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर है और हैप्पीनेस का, माइंड को बैलेंस करने का और लाइफ को बैलेंस करने का नंबर है। तो इसीलिए आज के दिन इस नंबर को रिकॉल करिएगा, लाल कलर के पेन से व्हाइट कलर के पेपर पे इस नंबर को लिख के आप किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसका भी दिन अच्छा जाएगा और आपका भी दिन अच्छा जाएगा। और इस नंबर को कम से कम दिन में 4 से 5 बार देखिएगा, ज़रूर मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये दिन आपके लिए शानदार जाता है। वैदिक उपाय, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूँ, कौन सा उपाय करना है वो भी आप नोट कर लीजिएगा। घर में अगर आप बरकत चाहते हैं, घर में अगर आप परेशानियां हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं और घर में मायूसी को ख़त्म करना चाहते हैं और बरकत लाना चाहते हैं, तो आज के दिन ये उपाय ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो सुबह उठ के गंगाजल से या पानी में गुलाब की पत्तियां डाल के उस पानी से घर में छिड़काव ज़रूर करिएगा। उससे आपके घर में फ्रेशनेस आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं, किसी विशेष काम से बाहर जाते हैं, तो लाल कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्रीम कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लाइटिश कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लाइट ब्लू कलर भी आज आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर बाहर जाते हैं, दही और चीनी खा के जाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन क्या करना है, अपने घर से बरकत लानी है और परेशानियां दूर करनी है अगर आपको, तो एक विशेष उपाय बताता हूं जो शाम के समय करना है। इसको सुबह भी कर सकते हैं वैसे तो, शाम को भी कर सकते हैं, शाम के समय थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फायदा देगा। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसके ऊपर एक दिया रखना है, उसमें घी डालना है, लाल कलर की बात बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, रुई को कुमकुम में हल्का सा वो कर दीजिएगा तो वो लाल हो जाएगी। लाल कलर की बात बना के आपको घी का दिया जलाना है, उसमें केसर ज़रूर से मिलाइएगा, दिए के अंदर केसर और एक लौंग ज़रूर से मिलाइएगा। अगले दिन लौंग और केसर को आप पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, कोई दिक्कत को परेशानी नहीं है। दिए को आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, लाल कपड़े को वापस आप समेट के रख दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा। तो ये दिया आप लगाइएगा शाम के समय में और अपने इष्ट देव को याद करिएगा, माता रानी की आराधना करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके घर से परेशानियाँ दूर हो जाए, घर में बरकत आए और कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको ना हो। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये उपाय काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा देगा। ये दिया आप घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं और घर की उत्तर दिशा में कहीं पर भी लगा सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं पर भी लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं। और जब नॉर्थ ईस्ट पर अगर आप लगा रहे हैं तो दिए का जो लो रहेगा वो नॉर्थ की तरफ रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है और ये उपाय आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव माध्यम पर कर सकूँ। धन्यवाद।